60 मिनट में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मार्शल अर्जुन सिंह, आज भी नाम सुनकर कांप जाता है पाकिस्तान। नमस्कार। 98 साल की उम्र में मार्शल ऑफ इंडियन एयर फोर्स अर्जुन सिंह का निधन आज ही के दिन 16 सितंबर 2017 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ और 5-स्टार रैंक वाले एकमात्र मार्शल थे। अर्जुन सिंह को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने 1 घंटे में तय दी थी पाकिस्तान की हार। अर्जुन सिंह 44 साल की उम्र में ही भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने शानदार तरीके से निभाया। अलग अलग तरह के 60 से भी ज्यादा विमान उड़ाने वाले अर्जुन सिंह ने भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना में से एक बनाने और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। सर्वोच्च रैंक हासिल करने के बाद भी सेवानिवृत्त होने से ठीक पहले तक अर्जुन सिंह विमान उड़ाते थे। कई दशकों के अपने सैन्य जीवन में उन्होंने 60 तरह के विमान उड़ाए, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के तथा में बाद में समसहायक विमानों के साथ साथ परिवहन विमान भी शामिल थे। अर्जुन सिंह को 2002 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्शल रैंक से सम्मानित किया गया था। बता दें कि अर्जुन सिंह न केवल निडर पायलट थे, बल्कि उन्हें एयरफोर्स की गहरी जानकारी थी। उन्हें 1965 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अर्जुन सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1919 को लायलपुर में हुआ था। 19 साल की उम्र में RAF कैनवेल में एम्पायर पायलट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुना गया था। 1939 में एक पायलट अधिकारी के रूप में नियुक्त पाई थी। इसके बाद 1944 में उन्होंने भारतीय वायुसेना के नंबर 1 क्वाड्रन का अराकन अभियान के दौरान नेतृत्व किया था। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को अंजाम दिया था और पाकिस्तानी टैंकों ने जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले पर धावा बोल दिया था। इस दौरान अर्जुन सिंह की यह सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना करने तब किया और 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई।